आपके सामने अब अश्विनी को बुलाना चाहता हूँ। खाली टाइम पे अपनी कविता लिख दो। मेरे को पहली बात तो हिंदी में कविता लिखना अच्छा लगता है, तो एक बार मैंने कविता लिखी थी जो हमारे स्कूल में हर सुबह थॉट, न्यूज़ और स्पीच बोलते हैं। तो एक दिन मैंने जो कविता लिखी थी मैं भी गया बोलने, तो मन में ये पहले जब मैंने सर से बोला कि मैं बोलूँगा स्टेज पे तो बड़े आराम से गया, और उसके बाद ना मतलब घबराहट होने लग गई। मेरी ही क्लास का है एक लड़का अश्विनी, पहले वो घबराता था बोलने में, पर वो कविता ही लिखता था, प्रेजेंट नहीं कर पाता था। मैंने एक गुरु के ऊपर लिखे, गांधी जी के ऊपर लिखे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये हमारा, जिसमें कि बच्चों में स्लोली स्लोली पर अभी कुछ चेंजेस हमने देखे हैं कि किस तरह से हम माइंडफुलनेस करते हैं, तो बच्चों में कामनेस आई है, थोड़ा माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, इससे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आया है। सही भी बच्चे आरामदेह स्थिति में बैठ जाएं, आज हम माइंडफुलनेस करेंगे जिसमें कि हम विचारों का ट्रैफिक करेंगे, ढीला छोड़ेंगे मुंह से सांस छोड़ते हुए, दोबारा सांस लेंगे और अपनी आँखें सहज रूप से बंद करके रिलैक्स एकदम बैठेंगे। अब ऐसे हम कल्पना करेंगे कि जैसे कि हम रोड पे खड़े हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं, और जैसे ही ट्रैफिक को हम देखते हैं, मैम एक तो उसमें ये अच्छा लगता है कि माइंडफुलनेस में मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि उससे जो हमारा कॉन्सेंट्रेट है वो हम जिस चीज़ पे करते हैं उसी पे ही लगता है। हम अपने विचारों को देखेंगे, वो जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, किसी भी जो सोचने का उनका एक नजरिया था वो स्पैन जो उनका बढ़ रहा है, सोचने का लेवल जिसे कहते हैं ना, अच्छाई शुरू हो रही है। अगर हम किसी विचार में उलझने लगे या हमारा ध्यान कहीं और जाने लगे और उसी विचार में ही खोने लगे, तो एक बार फिर से सांस गहरी लेके बॉडी को रिलैक्स करके बस सहज तरीके से विचारों को देखते रहें, उनमें उलझना नहीं है। हमने अश्विन को बुलाना चाहूंगा आकर के वो अपनी स्पीच देंगे। यस अश्विनी। इसमें मेरे को चीज़ ज़्यादा है कि मैम ने बोला था आँख बंद करके 3 बार लंबी लंबी सांस लेनी है, तो उससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो उसी चीज़ पे ही जाता है। तो मैंने 3 बार लंबी लंबी सांस ली, तो मैंने वो जो कविता थी वो मैंने बोला भी, तो मेरे को कविता बोल के भी अच्छा लगा, और मेरे को पहले मैं यकीन नहीं करता था कि हाँ इससे कुछ होता है, तो मैंने जब मतलब मैंने जब 3 बार सांस ली थी तो मेरे को लगा कि हाँ इसमें कुछ है, मतलब ऐसे कर सांसों को नॉर्मल करेंगे। जब आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है ऐसा महसूस करते हुए एक स्माइल के साथ अपनी आईज खोलेंगे।